अभागी का स्वर्ग भाग तीन। अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त हो चला है, जिसका विस्तार अधिक नहीं सामान्य ही है। जान पड़ता है 30 वर्ष ही अब तक पार हुए होंगे या न हुए होंगे, अंत भी हुआ उसी प्रकार सामान्य भाव से। गांव में कविराज नहीं थे, दूसरे गांव में उनका निवास था। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ पांव जोड़े, अंत में लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपये की प्रणामी यानी सलामी दी। उस सब का कितना आयोजन करना पड़ा। खरल, मधु, अदरक का सत्व, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाले के मां ने लड़के से नाराज होकर कहा, क्यों तू मुझे बिना बताए लोटा गिरवी रखने चला गया बच्चे? हाथ झुकाकर कई गोलियां लेकर उन्हें माथे से लगाकर फेंकते हुए उसने कहा, अच्छी होंगी तो वैसे ही हो जाऊंगी। बागदी दूलों के घर में अभी भी कोई औषधि खाने से नहीं बचता। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आए। वे जो घरेलू नुस्खे जानते थे, हिरन के सिंग का घिसा हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद में मिलाकर चटा देना इत्यादि बिना खर्चे की औषधियों को बता सब अपने काम से चले गए। बालक कंगाली उबरा उठा। माँ ने उसे गोद में खींचते हुए कहा, कविराज की गोलियों से कुछ नहीं होता बेटे, और उन लोगों की औषधियों से क्या काम चलेगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने गोलियां खाई ही नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी, ऐसे क्या कोई अच्छा होता है? मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा देख, तू थोड़ा सा भात वात बनाकर खा ले, मैं भी देखूंगी। कंगाली पहली बार अनव्यस्त हाथों से भात रांधने लगा। न तो वो मांड ही निकाल सका, न अचित्र पसा ही सका। चूल्हा उसे जलता नहीं, उसमें पानी गिर पड़ने से धुआं होता है, भात पसाते समय चारों ओर गिर पड़ता है। माँ के नेत्र छल छला है। उसने स्वयं एक बार उठने की चेष्टा की, परंतु माता सीधा न कर सकी, खाट पर ही लुढ़क गई। खाना बन जाने पर बालक को पास बुलाकर किस प्रकार क्या करना होता है इसका विधिवत उपदेश करते समय उसका क्षीण कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से जल की अविरल धारा बहने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन सवेरे उसने नाड़ी देखकर उसी के सामने मुंह को गंभीर बना दिया। कंगाली की मां ने इसका अर्थ समझा, परंतु उसे भय भी नहीं लगा। सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा, इस बार एक बार उन्हें बुलाकर ला सकता है बेटे। किसे माँ? उन्हीं को रे, उस गांव में जो चले गए हैं। कंगाली ने समझते हुए भी पूछा, पिता को? अभागी चुप रह गए। कंगाली बोला, वे आएंगे क्या माँ? अभागी को स्वयं भी पूरा संदेह था, तो भी धीरे धीरे कहा, जाकर कहना माँ केवल आपके पांवों की धूली चाहती है। वो उसी समय जाने को तैयार हो गया। तब उसका हाथ पकड़कर वह बोली, थोड़ा सा रोना धोना बेटे, कहना माँ जा रही है। ठहर कर बोली, लौटते समय नाइन भाभी से थोड़ा सा आलता ले आना। कंगाली, मेरा नाम लेते ही वो दे देगी, मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार उसे बहुत सी करती है। ज्वर होने की अवधि से माँ के मुख से इन कई वस्तुओं की बातें इतनी बार इतने प्रकार से सुनी है कि वो वहां से रोता अपनी यात्रा पर चल दिया। तो दोस्तों, ये था अभागी का स्वर्ग, 3रा अध्याय समाप्त होता है। चौथा भाग सुनने के लिए इंतजार करिएगा, अति शीघ्र लाने वाला हूँ, जरूर सुनिएगा।